Good morning everyone. I hope you will be fine. Today it is day 20 class of SST of grade 3. And in our previous class we were reading our chapter 5 India Physica. Now today in our class we will continue our chapter on page number 26. Okay, let's start. Mountains and hills in India. The northern mountains include the Himalayas and the Karakoram mountain range. Northern mountains ke andar Himalayan aur Karakoram mountain range aati hai. The Himalayan range is the highest mountain range in the world. Jo hamari Himalayan mountain range hai, parvat shrankhla hai, wo pure world ki sabse highest yani ki sabse unchi mountain range hai. There are many peaks in this mountain range. इस हिमालयन पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी ऊंची चोटियां भी है. पिक्स मीन्स चोटियां. द पिक्स ऑफ द हिमालयस रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. जो हिमालय की जो पिक्स है वो हमेशा वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई रहती है. माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयस इज द हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड. हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पिक या चोटी है. इट इज इन नेपाल, जो कि नेपाल में है. एंड इज 8848 मीटर इन हाइट, और उसकी ऊंचाई 8848 मीटर है. कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई है 8598 मीटर. एंड नंदा देवी जिसकी हाइट है 7816 मीटर आर द टू हाईएस्ट पिक्स ऑफ दिस रेंज. यानी कि हिमालयन माउंटेन रेंज की तीन ऊंची चोटियों के बारे में बताया गया है, पिक्स के बारे में बताया है. फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट, सेकंड है कंचनजंगा एंड थर्ड है नंदा देवी, और इनकी हाइट्स भी दी हुई है. देयर आर लो माउंटेन्स एंड हिल्स इन द साउथर्न एंड सेंट्रल parts of India. The Vindhyan and the Satpura mountain ranges are in the central part of India. और India के central part में कौन सी है? Vindhya और Satpura range है. And the Nilgiri hills are in the southern part. और India की southern part में कौन सी hill है? Nilgiri hills है. These mountains and hills are not covered with snow. इन ये जो mountains और hills है वो बर्फ से ढकी हुई नहीं रहती है. ग्लेशियर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज माउंटेन्स. इन माउंटेन से ग्लेशियर्स बनते हैं. मैनी रिवर्स सच एज इंदूस, गंगा, यमुना, बीस एंड ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम दीज ग्लेशियर्स. जो हमारी ये नदियां हैं वो इन ग्लेशियर्स से बनती है. चंबल, बेतवा, सोन एंड नर्मदा ऑरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड्स. और चंबल, बेतवा, सोन और ये जो नर्मदा है वो हाईलैंड से बनती है, निकलती है. द हिमालयस फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो इंडिया और चाइना के बीच में बनी हुई नेचुरल बाउंड्री यानी कि प्राकृतिक बाउंड्री है. इट्स वैली सच एज कश्मीर एंड कुल्लू आर वेरी फर्टाइल एंड ब्यूटीफुल. और इसकी जो वैलीज कश्मीर और कुल्लू है वो बहुत ही फर्टाइल मीन्स उपजाऊ एंड ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर है.